मेरे पास बहुत सारे यंग बच्चों के, बड़े होते बच्चों के और उनके माँ बाप के सवाल आते हैं गायनोकोमेस्टिया को लेकर। वो बहुत परेशान होते हैं, यहाँ तक कि इवन माँ बाप भी ये कहते हैं कि यार हमारा बच्चा बाहर जाने से शर्माता है, बच्चा खुद कंफर्टेबल फील नहीं करता, वो सोशली नेग्लेक्टेड फील करता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि गायनोकोमेस्टिया एक्चुअल में होता क्या है और इसके कारण क्या है। बड़ों में अलग कारण होते हैं, बच्चों में अलग कारण होता है। उसके अलावा लक्षण क्या होते हैं गायनोकोमेस्टिया के और इलाज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक, मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन जिस तरह के कमेंट्स और सवाल मेरे पास आते हैं, मुझे लगता है कि इसके थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए, खासतौर से यंग बच्चों को जो अभी 12 से 15-16 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं। तो देखिए, गायनोकोमेस्टिया एक कंडीशन होती है जहां पे जो ब्रेस्ट का साइज है वो एनलार्ज हो जाता है। जनरली जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, लड़कियां और लड़के दोनों, तो एज तक उनके ब्रेस्ट में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब उनके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं तो फिर गर्ल्स में तो नॉर्मल है ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, लेकिन ये बॉयज के अंदर भी हो जाता है। उसका कारण ये होता है, मर्दों के अंदर भी दोनों हार्मोन बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी होता है और ऑस्ट्रोजन हार्मोन भी थोड़ी सी मात्रा में जरूर बनता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये ऑस्ट्रोजन का लेवल, ऑस्ट्रोजन हार्मोन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए लड़कों में और टेस्टिस्ट्रोन थोड़ा कम रह जाए, तो इसकी वजह से ब्रेस्ट का जो है वो एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। ये एक छाती में भी हो सकता है, ये दोनों छाती में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। उसके अलावा कुछ डिजीज भी होती हैं, कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे एक सिंड्रोम होता है जिसको क्लेनिफ्लेटर सिंड्रोम कहते हैं, उसके अंदर भी जो है बच्चों के अंदर ही जो गायनोकोमेस्टिया या ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है। एक हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशन होती है, हाइपोगोनेडिज्म में मतलब टेस्टिकल्स ही छोटे होते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रहता है, उसकी वजह से ऑस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का जो इम्बेलेंस होता है तब भी ये कारण बन जाता है गायनोकोमेस्टिया। उसके अलावा कुछ जो जिम लवर्स हैं वो एनाबोलिक स्टेरॉइड्स ले लेते हैं अपना बिल्ड बढ़ाने के लिए, बॉडी मास बढ़ाने के लिए, इसके कारण भी, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से गायनोकोमेस्टिया या ब्रेस्ट का साइज बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ये तो हमने कारणों की बात कर ली, लक्षण क्या होते हैं। देखिए, एक तो ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, ये टेंडर भी होता है यानी कि दर्द भी होता है, इसको दबाने से दर्द महसूस होता है, कई बार निपल से कुछ डिस्चार्ज भी आता है। तो आपको अपने बच्चे को समझाने की, काउंसिल करने की जरूरत है और जो टीचर्स हैं उनको भी ऐसे बच्चों को काउंसिल करने की जरूरत है। और अगर कभी कोई बच्चा आपको इस बारे में छेड़ता भी है तो आप समझा दीजिए कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ मेडिकल कंडीशन, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, इससे आप पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसके इलाज के क्या ऑप्शन हो सकते हैं। गायनोकोमेस्टिया के इलाज के देखिए दो तरीके हैं, एक होता है मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि सिर्फ आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट जहां पे आपको एक छोटे से ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो सारे केसेस में ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़े। पहले बात कर लेते हैं कि भाई मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। जैसे हमने बात की कि भाई हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, तो अगर जो ऑस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तो हम एंटी एस्ट्रोजन दवाइयां देते हैं जिससे आपका एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, इससे फिर आपका गायनोकोमेस्टिया का जो साइज है वो रिड्यूस होने लगता है। दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। तो मरीज को जो है वो टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है, तो अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम थे तो इसको देने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, फिर अगेन आपके हार्मोन जब बैलेंस हो जाते हैं तो ये साइज इसका खुद से ही रिड्यूस हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तीसरे होते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर्स। ये क्या काम करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को। तो अगर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं आपके शरीर में, तो उसका लेवल धीरे धीरे खुद से घट जाएगा और आपका जो गायनोकोमेस्टिया का साइज है वो कम हो जाएगा। तो देखिए, आपको अगर गायनोकोमेस्टिया है तो आप जाके अपने डॉक्टर से बात करें, उसको कहें कि भाई मुझे ये बीमारी है, इसका इलाज बताइए, और ये आपको इलाज शुरू कर सकता है कोई भी डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर। अब बात करते हैं कि भाई अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, तो देखिए सर्जिकल ट्रीटमेंट खासतौर से बड़े लोगों में जरूरत पड़ती है और कई बार बच्चों में भी जरूरत पड़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ गायनोकोमेस्टिया। अगर गायनोकोमेस्टिया का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है या आपके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस भी बहुत ज्यादा है या आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो कई बार आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती है। सर्जरी भी दो तरह की होती है, एक होती है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन में सिंपली जो ब्रेस्ट के टिश्यूज हैं उनको थोड़ा सा सक कर लिया जाता है, यानी कि निकाल लिया जाता है एक छोटे से इंसिजन से, कोई तो बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, डे केयर में एक दिन में आपको ये सर्जरी करा के आप अपने घर पे जा सकते हैं। दूसरा होता है मेस्टेक्टमी, यानी कि
ब्रेस्ट के कुछ टिश्यूज को काट के बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि दोनों ब्रेस्ट के साइज में सिमेट्री आ जाए। ये भी सर्जन करते हैं, क्वालिफाइड सर्जन करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा बड़ा साइज आपके गायनेकोमास्ट्री का, तो किसी अच्छे सर्जन को आप दिखा लीजिए। इसमें भी आपका 1 से 2 दिन का लगता है समय, और आप बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं। कोई भी आपको उसमें दिक्कत या परेशानी बाद में नहीं होती है। उसके अलावा आपको कुछ और भी चीजें करने की जरूरत होती है। आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, अगर आप मोटे हैं तो आप एक्सरसाइज करें, वजन घटाएंगे तो आपका गायनेकोमास्ट्री का साइज कम हो जाएगा। अल्कोहल और स्मोकिंग भी बड़े कारण है ब्रेस्ट के साइज के एनलार्जमेंट होने के, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। और इसके अलावा जो विटामिन ई है वो भी काफी मदद करता है इसके साइज को रिड्यूस करने में, तो आप डॉक्टर की सलाह से विटामिन ई भी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से जरूर जानकारी मिली होगी, वो जो आपको चाहिए, और आपके सारे सवालों के जो जवाब हो मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट बहुत सारे लोगों को इसका फायदा पहुंचे। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं और अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।